हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। 27 दिसंबर को पिहोवा बस स्टैंड के पास बने रैन बसेरे का उद्घाटन हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री संदीप सिंह करने वाले हैं, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसके आसपास गंदगी के अंबार इसकी बदहाली की कहानी बयां करने के लिए काफी है। रैन बसेरे का इंतजार कर रहे लोगों का कहना है कि रैन बसेरा बनकर तैयार हो गया है, लेकिन यहां व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार की योजना के तहत रैन बसेरों का निर्माण कराया गया है। ये रैन बसेरे गर्मी में भी बनकर तैयार हो गए थे, लेकिन ठंड के बावजूद भी लोग 27 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है, यहाँ पर गंदगी है और यहाँ पर कुवाड़ बहुत खिंड गिरे, यहाँ पर कोई वो नहीं है, सुविधा ही नहीं है बस खाने का। फिर कुवाड़ खिंडा पड़ा है, जो रैन बसेरा बना इसमें ना रोटी पानी की सुविधा ना कोई सुविधा है जी। जो लैटरिंग बाथरूम बनाए हो क्या इसके लिए, यहीं बाहर ही लोग लैटरिंग बाथरूम करते हैं, वो भी बंद पड़े हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है जी।